दीदी, तो चंद्रमा चंद्रमा क्या है और उस पर ये कैसा चित्र उभर रहा है? और दीदी, चंद्रमा का आकार कैसे बदलता है? चंद्रमा भी खगोलीय पिंड है। तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। रात में चंद्रमा आकाश में सबसे ज्यादा चमकने वाला खगोलीय पिंड है। इसकी आकृति में लगातार परिवर्तन होता रहता है। कभी यह पूरा गोल दिखाई देता है, तो कभी खरबूजे की फांक सा, और कभी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। जानते हो ऐसा क्यों होता है? हाँ दीदी, यही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि चंद्रमा घटता बढ़ता क्यों है? जब ये पूरा गोल दिखाई देता है तो इस दिन को पूर्णिमा कहते हैं, और जब चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता तो उस दिन को अमावस्या कहते हैं। हाँ भैया, जिस दिन चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है उस दिन को पूर्णिमा कहते हैं। इसके बाद प्रत्येक रात को चंद्रमा का चमकीला भाग यानी प्रदीप्त भाग घटता जाता है, और 15वें दिन चंद्रमा दिखाई देना बंद हो जाता है। इस दिन को अमावस्या कहते हैं। अगले दिन फिर से चंद्रमा का एक छोटा सा भाग आकाश में दिखाई देता है, इसे बाल चंद्र कहते हैं। और फिर प्रतिदिन चंद्रमा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, यानी चंद्रमा के प्रदीप्त भाग में वृद्धि होती जाती है। 15वें दिन हमें पूरा चांद दिखाई देता है, यानी पूर्णिमा आ जाती है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि लगभग 29.5 दिन है। लेकिन दीदी, चंद्रमा की आकृति प्रतिदिन क्यों बदलती है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर। और यह तो तुम जानते ही हो कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। वह अपनी सतह पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है और इसीलिए हमें दिखाई देता है। ध्यान रहे, हमें चंद्रमा का केवल वही भाग दिखाई देता है जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। इसीलिए चंद्रमा की आकृति में परिवर्तन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की सापेक्ष स्थितियों में परिवर्तन के कारण होता है। आओ, इसे मैं तुम्हें एक क्रियाकलाप द्वारा समझाती हूँ। तुम ये बड़ी गेंद लो, इसके आधे भाग को ऐसे सफेद पेंट किया है और आधे को ऐसे काला। यह जमीन पर लगभग 2 मीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं और उसे 8 भागों में बांटते हुए उस पर 8 बिंदु अंकित करते हैं। अब वृत्त के केंद्र पर तुम खड़े हो जाओ और सोचो तुम पृथ्वी पर खड़े हो और वृत्त की परिधि पर मैं खड़ी हो जाती हूँ और मेरे हाथ में है यह गेंद यानी चंद्रमा। अब गेंद को मैं इस प्रकार पकड़ती हूँ कि इसका सफेद भाग हमेशा सूर्य की ओर रहे। लेकिन दीदी, यहाँ सूर्य कहाँ से आएगा? अभी तो रात है। चलो, इस जलते हुए बल्ब को हम सूर्य मान लेते हैं। अब मैं वृत्त की इस परिधि पर चलती हूँ जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा हो। जब मैं अंकित बिंदु पर खड़ी हूँ तो तुम गेंद की स्थिति देखना, यानी चंद्रमा की स्थिति। ध्यान रहे, गेंद का सफेद भाग मैं हमेशा बल्ब की तरफ रखूंगी, जो यह दर्शा रहा है कि यह भाग सूर्य के प्रकाश से प्रदीप्त है। अब तुम गेंद की स्थिति को ध्यान से देखो, क्या देखते हो? Thank you.
कभी गेंद का पूरा सफेद भाग मेरे सामने आया और कभी पूरा काला और कभी मिला जुला। ठीक इसी प्रकार ही चंद्रमा भी घटता है और बढ़ता है। यह तो तुम जानते ही हो कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य की। जब कभी सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक तरफ होते हैं और पृथ्वी के सम्मुख चंद्रमा की सतह प्रदीप्त नहीं होती तो चंद्रमा नहीं दिखाई देता और हम कह देते हैं कि अमावस्या है। और फिर धीरे धीरे चंद्रमा की स्थिति में परिवर्तन के साथ चंद्रमा का प्रदीप्त भाग भी बढ़ने लगता है। और जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी की विपरीत दिशाओं में होते हैं और पृथ्वी के सम्मुख चंद्रमा की पूरी सतह सूर्य के प्रकाश से प्रदीप्त होती है तो चंद्रमा गोल दिखाई देता है, यानी पूर्णिमा। इसके बाद चंद्रमा का प्रदीप्त भाग घटने लगता है। अब समझा चांद किस प्रकार घटता बढ़ता रहता है। क्या अब आप पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति के बारे में बता सकते हो। हाँ दीदी, पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की विपरीत दिशाओं में स्थित होंगे और अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही तरफ होंगे। अब आप बताओ कि आप पूर्ण चंद्रमा को देखने के लिए आकाश की किस दिशा में देखोगे। पूर्व में देखेंगे। चंद्रमा पृथ्वी की लगभग एक परिक्रमा करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में 29.5 दिन। और अपनी धुरी पर घूर्णन करने में 27.8 दिन का समय लेता है। इसलिए हम पृथ्वी से चंद्रमा के पीछे की ओर का भाग कभी नहीं देख पाते। लेकिन दीदी, मैंने सुना है कि जब चंद्रमा को पृथ्वी से देखते हैं तो ऐसा चित्र दिखाई देता है जैसे कोई बुढ़िया चरखा चला रही हो। नहीं नहीं, चंद्रमा पर कोई बुढ़िया नहीं है। चंद्रमा पर ना तो वायुमंडल है और ना ही जल, इसलिए चंद्रमा पर तो जीवन ही संभव नहीं। हाँ, चंद्रमा पर धूल है, खड़ी ढाल वाले ऊंचे पर्वत हैं और बड़े बड़े गड्ढे हैं। और इन सब की खोज अंतरिक्ष यात्रियों ने की है। प्रयास, तुम तो जानते ही हो कि अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले 21 जुलाई सन 1969 को चंद्रमा पर पहला कदम रखा था और उसके बाद एडविन एल्ड्रिन ने। हाँ दीदी, और मैं यह भी जानता हूँ कि चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमता है। और चंद्रमा तारों की तरह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। अच्छा दीदी, तारों से याद आया कि सूर्य भी एक तारा है। लेकिन दीदी, सूर्य अन्य तारों की अपेक्षा इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है। इसका जवाब तो बहुत आसान है। देखो, ये दो फुटबॉल है, एक को अपने पास रखो और एक को अपने से बहुत दूर। इन्हें इधर से देखो और अब बताओ तुम्हें कौन सी फुटबॉल बड़ी दिखाई दे रही है। वह जो पास रखी है, सिंपल। इसी तरह अन्य तारे भी सूर्य की तुलना में हमसे लाखों गुना अधिक दूर हैं और वे हमें बिंदु से प्रतीत होते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा है अल्फा सेंटौरी,
इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 4,00,000,000,000 किलोमीटर है। यह तो बहुत बड़ी दूरी है, इस लंबाई को तो पढ़ना भी मुश्किल है। इसीलिए तो बड़ी दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, यानी प्रकाश वर्ष बड़ी दूरियों का मात्रक है। प्रकाश वर्ष वह क्या होता है? हाँ, प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। अब तुम बताओ, यदि प्रकाश एक सेकंड में 3,00,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो एक वर्ष में कितनी दूरी तय करेगा? 94,608,00,000,000 किलोमीटर। इस प्रकार सूर्य की पृथ्वी से दूरी हुई लगभग 8 प्रकाश मिनट और अल्फा सेंटुरी की लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष। हाँ दीदी, यह तो बहुत दूर है। अब मैं समझा, इसीलिए अन्य तारे छोटे दिखाई देते हैं। लेकिन दीदी, हम दिन के समय तारों को क्यों नहीं देख पाते? क्या वह उस समय आकाश में नहीं होते? नहीं प्रयास, तारे तो दिन के समय भी आकाश में होते हैं, लेकिन सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण वह हमें दिखाई नहीं देते। दीदी, क्या तारों की स्थिति बदलती है? क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि तारे अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। आपके इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। जब आप किसी चलती रेलगाड़ी में होते हैं तो निकट के वृक्ष और भवनों को देखते हुए आपको कैसा लगता है? हाँ, जैसे वे पीछे की दिशा में घूमते हुए दौड़ रहे हों। अच्छा, अब आप जरा अपनी ही स्थिति में खड़े हुए पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन यानी गोल गोल घूमो, जैसे लट्टू घूमता है। अब देखो, यहाँ रखी वस्तुओं को देखकर आपको क्या एहसास हो रहा है? यह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर भाग रही है। बस, तारे भी ऐसे ही गति करते प्रतीत होते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है, इसीलिए तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते प्रतीत होते हैं। अब मैं समझा कि हमें सूर्य पूर्व से उदय होता हुआ तथा पश्चिम में अस्त होता हुआ क्यों प्रतीत होता है। हाँ, वह भी तो एक तारा है। घूम पृथ्वी रही है और हमें लगता है सूर्य चल रहा है, और ऐसा पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करने के कारण होता है। लेकिन प्रयास, आकाश में एक ऐसा तारा भी है जो एक ही स्थान पर स्थिर दिखाई देता है, और वह है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा? लेकिन दीदी, ऐसा क्यों लगता है? इसके लिए भी हम एक क्रियाकलाप करते हैं। यह छाता लेते हैं। अब विभिन्न रंगों के कागज के 10 रंगीन तारे काटते हैं। इन्हें छाते की प्रत्येक तार यानी स्पोक के सिरे के निकट चिपका देते हैं और एक तारा केंद्रीय छड़ पर चिपकाते हैं। अब छाते की केंद्रीय छड़ को अपने हाथ में पकड़कर घुमाइए। हम अब क्या देखते हैं? सभी तारों की स्थिति बदल रही है, लेकिन जो तारा केंद्रीय छड़ पर स्थित है उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ध्रुव तारा भी एक ऐसा ही तारा है जो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है, इसीलिए यह गति करता प्रतीत नहीं होता। और दीदी, आकाश में कई तारों के ऐसे समूह भी दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई आकृति बना रहे हो। हाँ प्रयास, पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के इन समूह को तारामंडल कहते हैं। जैसे ये 7 तारों का समूह है जो एक बड़ी कलछी या प्रश्न चिन्ह जैसा दिखता है। इस कलछी की हत्थी में 3 तारे हैं और कटोरी में 4 तारे हैं। तारों के इस समूह को बिग डिपर, ग्रेट बियर, सप्तऋषि या अर्सा मेजर कहते हैं। इसे हम
गर्मियों में रात्रि के प्रथम प्रहर में देख सकते हैं। यह तारामंडल भी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गति करते प्रतीत होते हैं, लेकिन इनकी आकृति समान रहती है क्योंकि तारों की सापेक्ष स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता। प्रयास, सप्तऋषि के सिरे के दो तारों को ध्यान से देखो और इन दोनों तारों से गुजरने वाली एक सरल रेखा की कल्पना करो। इस काल्पनिक रेखा को उत्तर दिशा में आगे बढ़ाओ। दीदी, यह काल्पनिक रेखा तो एक ऐसे तारे तक पहुंच रही है जो अधिक चमकीला नहीं है। यही ध्रुव तारा है। हाँ दीदी, यह तो अपनी स्थिति नहीं बदल रहा। अगर तुम रात को 2 से 3 घंटे के अंतराल में सप्तऋषि तारामंडल को देखोगे तब तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये ध्रुव तारे की परिक्रमा कर रहे हैं। वास्तव में सभी तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं क्योंकि ध्रुव तारा अपनी स्थिति नहीं बदलता। एक बात और, ध्रुव तारा पृथ्वी के अक्ष पर उत्तर दिशा में स्थित है। अब एक अन्य तारामंडल देखो, यह है ओरायन तारामंडल। इसे आप सर्दियों में मध्य रात्रि में देख सकते हैं। इसमें भी 7-8 चमकीले तारे हैं। इसकी आकृति एक शिकारी के जैसी है। इसके 3 मध्य के तारे शिकारी की बेल्ट के जैसे लगते हैं और 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित दिखाई देते हैं। यदि इस शिकारी की बेल्ट से एक काल्पनिक रेखा पूर्व दिशा की ओर बढ़ाई जाए तो यह आकाश में स्थित सबसे अधिक चमकीले तारे तक पहुंचती है। यह है सीरियस। उत्तरी आकाश में एक अन्य तारामंडल है कैसियोपिया। यह सर्दियों में रात्रि के पहले प्रहर में दिखाई देता है। यह अंग्रेजी के अक्षर W या M के बिगड़े रूप जैसा दिखता है। दीदी, क्या किसी तारामंडल में 7 या 8 तारे ही होते हैं? नहीं, तारामंडल में तो बहुत से तारे होते हैं, लेकिन हम अपनी नग्न आँखों से किसी तारामंडल में केवल चमकीले तारों को ही देख पाते हैं और हम उन्हें देखकर ही आकृति निश्चित करते हैं। दीदी, आपने चंद्रमा और तारों के बारे में तो खूब बताया, अब मुझे सौर परिवार के बारे में भी बताइए ना। हाँ, क्यों नहीं। सूर्य और इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर बना है सौर परिवार। सूर्य के चारों ओर कौन कौन से खगोलीय पिंड परिक्रमा कर रहे हैं? इस परिवार में बहुत सारे पिंड हैं, जैसे ग्रह, धूमकेतु, शुद्र ग्रह और उल्काएं। हाँ हाँ दीदी, मैं जानता हूँ, सौर परिवार में 9 ग्रह होते हैं। 9 नहीं, सन 2006 तक सौर परिवार में 9 ग्रह माने जाते थे। प्लूटो सौर परिवार का सूर्य से दूरस्थ ग्रह था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्लूटो ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता है, इसीलिए अब सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इन सभी ग्रहों की ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। यह तो तुम जानते ही हो कि सूर्य एक तारा है, इसीलिए इसका अपना प्रकाश होता है, लेकिन ग्रहों में तारों की भांति अपना प्रकाश नहीं होता और वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तित करते हैं। प्रयास, ग्रह और तारे में तुम कुछ अन्य अंतर बता सकते हो? तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते। तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति भी बदलती रहती है जबकि तारों के सापेक्ष तारों की स्थिति हमेशा समान रहती है। बिल्कुल ठीक। और प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है,
इस पथ को कक्षा कहते हैं और किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। उनकी स्थिति के अनुसार सभी ग्रहों का परिक्रमण काल अलग अलग होता है। अच्छा, जो ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा उसको सूर्य की परिक्रमा में उतना ही अधिक समय लगेगा? हाँ, जो ग्रह सूर्य से जितना अधिक दूर होगा उसका परिक्रमण काल भी उतना अधिक होगा। लेकिन दीदी, सूर्य की परिक्रमा करते समय ग्रहों की आपस में टक्कर क्यों नहीं होती? क्योंकि ये सभी सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं और यह ग्रह तथा अन्य सभी खगोलीय पिंड सूर्य तथा उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ग्रह अपने अक्ष पर भी घूर्णन करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई लट्टू अपने अक्ष पर घूमता है। किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन में लगने वाले समय को उस ग्रह का घूर्णन काल कहते हैं। पृथ्वी का घूर्णन काल लगभग 24 घंटे है। जो पिंड ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी के बहुत से मानव निर्मित उपग्रह भी हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। उन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। जैसे आर्यभट्ट भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था। फिर इनसेट, आईआरएस, कल्पना, एड्यूसेट, इनका प्रयोग मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो और टेलीविजन संकेतों के प्रेषण और दूर संचार तथा सुदूर संवेदन के लिए होता है। सूर्य से निकटतम ग्रह है बुध, जो सूर्य के चकाचौंध में छिपा रहता है। इसे सूर्योदय से तुरंत पहले या सूर्यास्त के तुरंत बाद ही क्षितिज पर देखा जा सकता है। यह हमारे सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं होता। बुध के बाद है शुक्र। यह पृथ्वी का सबसे नजदीकी पड़ोसी है और रात के आकाश में यह पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पहले दिखाई देता है और सूर्यास्त के तुरंत बाद यह पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है। इसीलिए इसे प्रभात तारा यानी प्रातःकाल का तारा और संध्या तारा या सायंकाल का तारा भी कहा जाता है। शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी ही सौर परिवार का एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। ऐसा क्यों है दीदी? केवल पृथ्वी पर ही जीवन क्यों संभव है? इसका मुख्य कारण है पृथ्वी की सूर्य से उचित दूरी। पृथ्वी पर सही ताप परिसर है, जल उपस्थित है, उपयुक्त वायुमंडल है और ओजोन का आवरण है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी की सतह पर जल तथा भूमि से प्रकाश के परावर्तित होने के कारण यह नीली हरी प्रतीत होती है। पृथ्वी के विषुवत वृत्त के तल को पृथ्वी का विषुवतीय तल कहते हैं। वह तल जिसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे पृथ्वी का कक्षीय तल कहते हैं। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। ये दोनों तल एक दूसरे से 23.5 अंश के कोण पर झुके हुए हैं। यानी पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय तल से
66.5 अंश के कोण पर झुका है और इसी झुकाव के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी का केवल एक ही प्राकृतिक उपग्रह है, चंद्रमा। हाँ, चंद्रमा। और पृथ्वी के बाद बारी आती है मंगल ग्रह की। इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता के कारण यह हल्का लाल प्रतीत होता है, इसीलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह के दो छोटे उपग्रह भी हैं। फिर है बृहस्पति, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह। यह इतना बड़ा है कि इसके भीतर 1300 पृथ्वी रखी जा सकती हैं। फिर तो यह पृथ्वी से 1300 गुना भारी होगा। नहीं, बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के लगभग 318 गुना है और बृहस्पति अपने अक्ष पर बहुत अधिक तेज गति से घूर्णन करता है। बृहस्पति के चारों ओर धुंधले वलय हैं और यह अत्यधिक चमकीला प्रतीत होता है। बृहस्पति के बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। बृहस्पति के बाद है शनि, जो रंग में पीला दिखाई देता है और जिसके चारों ओर सुंदर वलय है। यह सभी ग्रहों में सबसे कम सघन है, यानी सबसे हल्का है। इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। और फिर सौर परिवार के सबसे बाहरी ग्रह हैं यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस ग्रह भी शुक्र की ही तरह पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। यह अपने घूर्णन अक्ष पर बहुत अधिक झुका हुआ है, जिसके कारण यह अपने पृष्ठ पर लुढ़कता हुआ सा लगता है। सौर परिवार के पहले चार ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल सौर परिवार के अन्य ग्रहों की तुलना में सूर्य के अत्यंत निकट हैं, इसीलिए इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रहों के बहुत कम चंद्रमा होते हैं। वह ग्रह जो मंगल की कक्षा के बाहर हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, यह आंतरिक ग्रहों की तुलना में सूर्य से कहीं अधिक दूर हैं, इसीलिए इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। इनके चारों ओर वलय हैं और इनके अधिक संख्या में उपग्रह यानी चंद्रमा हैं। दीदी, अब सौर परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में भी बताइए ना। ग्रहों के अलावा सौर परिवार में हैं क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्काएं। यह कहाँ स्थित होते हैं? देखो, मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच बहुत बड़ा अंतराल है। इस अंतराल में बहुत से छोटे छोटे पिंड हैं, जो सूर्य के चारों ओर ग्रहों की ही भांति चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स कहते हैं। धूमकेतु भी हमारे सौर परिवार के ही सदस्य हैं। इनका एक सिरा चमकीला होता है और लंबी पूंछ होती है। जैसे जैसे कोई धूमकेतु
सूर्य के नजदीक आता है तो उसकी पूंछ का आकार बढ़ता जाता है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा ही सूर्य से परे होती है, लेकिन सामान्यतः इनका सूर्य का परिक्रमण काल काफी अधिक होता है और यह एक निश्चित समय अंतराल पर पृथ्वी से दिखाई देते हैं। जैसे हेलिका एक ऐसा ही धूमकेतु है जो लगभग हर 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। इसे पिछली बार सन 1986 में देखा गया था। और आकाश में जो टूटता तारा दिखाई देता है वह क्या होता है? यह भी छोटे खगोलीय पिंड हैं, जिन्हें उल्का कहते हैं, जो कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। उस समय इनकी चाल बहुत अधिक होती है। वायुमंडलीय घर्षण के कारण यह गर्म होकर जल उठते हैं और चमक के साथ शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं। इसीलिए आकाश में एक चमकीली धारी सी दिखाई देती है, जैसे कोई तारा टूटा हो। तभी तो इन्हें शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। लेकिन कुछ उल्का आकार में इतनी बड़ी होती हैं कि पूरी तरह वाष्पित होने से पहले ही वह पृथ्वी तक पहुंच जाती है। वह पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। यह उल्का पिंड पृथ्वी की सतह पर जहाँ टकराते हैं वहीं बहुत बड़ा गड्ढा कर देते हैं, जिनमें पानी भर जाता है और ऐसे भी बड़ी बड़ी झीलें बन जाती हैं। जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को पार करती है तो उल्काओं के झुंड दिखाई देते हैं। इन्हें उल्का वृष्टि कहते हैं। वाकई दीदी, हमारे आकाश में कितने भेद छुपे हैं। हाँ भैया, चलो अब सो जाओ, सुबह दादाजी जल्दी उठाएंगे और हमें घूमने भी जाना है। हाँ दीदी, मॉर्निंग वॉक इन खूबसूरत खेतों में।